गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास नाइन्थ हिंदी पाठ्यक्रम भाग एक में पाठ्यपुस्तक स्पर्श के अंतर्गत आज हम सभी रहीमदास जी के दोहे पर चर्चा करेंगे। रहीमदास जी के दोहे पर कुछ चर्चाएं हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आइए हम चलते हैं उसके आगे जहां तक चर्चाएं हो गई थी। रहीमदास के चार कविताओं पर चर्चा हुई, चित्रकूट में रमी रहे, दीरक दोहा, अरत के। तो आगे चलते हैं धनी रहीम पांचवें दोहे की ओर चलते हैं। पांच हो गए हैं, छठवें दोहे की ओर चलते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघुजीय पियत अघात, उदति बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। तो आइए देखते हैं हम छठे दोहे की ओर। दोहे में छठे दोहे की ओर चलते हैं, तो कहते क्या है रहीमदास जी, कहते हैं कि धनी रहीम जल पंख को, धनी रहीम जल पंख को लघुजीय पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। कहने का तात्पर्य क्या है, जगत पियासो जाए जाए। आइए शब्दार्थ में हम देखते हैं, जगत, जगत का होता है संसार या विश्व कह सकते हैं। पियासो, पियासो का अर्थ है प्यासा। धनी, धनी माने धान्य है, धनी धनी धान्य है या विशेष है, धन्य है अर्थात विशेष है, धन्य है या विशेष है। और उदधि बढ़ाई कौन है, जीव, जीव माने जीव, जीव क्या दिया है, तो धनी रहीम जल पंख को लघु जीव पियत अघाय, जीव माने जीव, जीव माने छोटे छोटे जीव जंतु। और उदधि बढ़ाई कौन है, उदधि, उदधि में समुद्र, उदधि, उदधि में समुद्र, समुद्र, समुद्र कैसा होता है कि समुद्र का जल खारा होता है। इसमें रहीमदास जी समुद्र की विशालता के विपरीत में छोटे छोटे गड्ढों की तुलना करते हैं और बताते हैं कि आज समाज में हम भली प्रकार से जानते हैं कि विश्व में समुद्र को बहुत बड़ी नदी माना जाता है, सारी नदियाँ समुद्र के जल में ही आकर मिलती हैं। समुद्र का जल न कभी कम होता है न कभी अधिक होता है, अर्थात अत्यधिक वर्षा हो जाने पर भी जहाँ पर समुद्र अपने अंदर सारे जल को समाहित कर लेता है, ठीक गर्मी आने पर समुद्र के जल से निकलने वाली जल से वाष्प आकाश में जाकर के जल की वर्षा करती है, तो समुद्र की सीमा बहुत विशाल मानी जाती है, इसका कोई गहराई नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक ओर समुद्र की विशालता है तो दूसरी ओर एक छोटे से कीचड़ से युक्त गड्ढे की बात करते हैं रहीमदास। क्या कहते हैं कि गड्ढे को मैं श्रेयस्कर मानता हूँ, उपयोगी मानता हूँ, महत्वपूर्ण मानता हूँ, जबकि समुद्र की विशालता होने पर भी उसे प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है, उसे महान नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा सकता है, तो आइए देखते हैं इसके अर्थ में क्या कहते हैं। धनी रहीम जल पंख को, धनी रहीम माने धन्य है, रहीमदास जी क्या कहते हैं, रहीमदास जी आइए फिर हम लोग चलते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जी के पियत अघाय, मैंने रहीमदास के दोहे पर चर्चा चल रही है। धनी रहीम जल पंख को लघु जी के पियत अघाय और उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासे जाय, ये आपका श्लोक संख्या छठवां में। धनी रहीम जल पंख को लघु जीव पियत अघाय और
उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि धन रहीम जल पंख को, रहीमदास जी कहते हैं कि निश्चय ही छोटे से कहते हैं वह कीचड़ से भरा जल पंख, कीचड़ से भरा छोटा गड्ढा धान्य है जिसके जल को पीकर छोटे जीव प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न या तृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। किंतु विशाल समुद्र की बड़ाई क्या करें जिसके विशाल होने पर भी बड़ाई क्या करें जिसके जल के पास जाने पर भी जीव प्यासा ही रह जाता है। कहने का मतलब क्या है, समुद्र तो अत्यधिक विशाल है किंतु उसकी बड़ाई नहीं की जा सकती क्योंकि उसके खारे जल को कोई भी छोटा जीव पी नहीं सकता, उससे तृप्त नहीं हो सकता। किसी छोटे जीवों को कितना भी प्यास लगे रहे किंतु समुद्र के खारे जल से उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो रहीमदास जी के कहने का तात्पर्य है कि समुद्र की तुलना में एक छोटा सा कीचड़ से भरा हुआ गड्ढा श्रेष्ठ होता है, महान होता है, जो अपने छोटे से गड्ढे में प्राप्त होने वाले जल से छोटे छोटे जीवों की प्यास को बुझाने का सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है। बल्कि बड़े समुद्र की बड़ाई क्या की जाए, जो विशाल होने के बाद भी एक छोटे से जीव की प्यास को भी बुझा नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी की महानता, किसी की विशेषता बड़े होने से नहीं स्पष्ट की जा सकती। छोटा व्यक्ति भी महान हो सकता है, बड़े व्यक्ति भी महान हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, व्यक्ति कर्म से महान माना जाता है, बड़ा माना जाता है, न कि विशालतम शरीर से या विशालतम यश या कीर्ति से वो बड़ा माना जाए। कहने का तात्पर्य है कि विशाल होना ही केवल विशालता नहीं है, विशाल होने के साथ साथ व्यक्ति उसकी विशालता से कुछ लाभ प्राप्त करे, व्यक्ति का अगर उस विशालता से हित हो तो ऐसा मनुष्य ही विशाल माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। आइए देखते हैं हम रहीमदास के अगले दोहे की ओर चलते हैं। रहीमदास जी अगले वाले सातवें दोहे की ओर आते हैं। हम सातवें दोहे में क्या कहते हैं, नाद रीजितन देत मृग नाद का अर्थ हो गया नगाड़े या ढोलक की आवाज, ढोलक या नगाड़े की आवाज। फिर क्या कहते हैं, नाद रीजितन देत मृग, मृग मीन्स हिरण, रीज माने प्रसन्न होकर के, रीज माने प्रसन्न होना, प्रसन्न होकर के। तन मीन्स शरीर, देह मीन्स दे देता है, मृग मीन्स हिरण, मृग मीन्स हिरण। नाद देत तन
नाद रीज तन देत मृग नरधन हेत समेत अते रहीम पशु से अधिक रीजव कजून दे। आगे भी बताते हैं रेखी, इसमें बताते हैं कि समाज के ऐसे भी मनुष्य हैं जो केवल अपना लाभ चाहते हैं, केवल अपने लाभ के लिए जीते हैं। ऐसे मनुष्य किसी के कला की, किसी की विशेषता की, किसी के परिश्रम की कदर नहीं करते हैं। केवल वहाँ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मनोरंजन होता रहता है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद के समाप्त होते ही वह बिना कुछ दिए, बिना कुछ सहयोग किए वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को किसी के कला की, किसी की विशेषता की, किसी के मेहनत की कद्र करनी चाहिए। तो नाद रीझ तन देत मृग, कहते हैं कि नाद रीझ तन देत मृग, नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत अते रहीम पशु से अधित रीझौ कछु न देत। ना दे कुछ ऐसे भी समाज के मनुष्य हैं, क्या कहते हैं कि रहीदास जी कहते हैं ना नगाड़े या ढोलक की आवाज को सुन करके, ढोलक की आवाज को सुन करके ढोलक की आवाज को सुन करके मृग मींस हिरण, हिरण क्या करता है, हिरण अपने प्राणों को दे देता है, अपने प्राणों को दे देता है। तात्पर्य क्या है, नगाड़े की आवाज सुन करके हिरण इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि रहीदास जी कहते हैं कि नगाड़े की आवाज़ को सुन करके एक हिरण जिसे हम पशु मानते हैं, ऐसा पशु भी अपने प्राणों को दे देता है। किंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, क्या है, तो नाद देत नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो किसी के कर्म को, किसी के कलाओं को देख करके कुछ धन भी उन्हें दे देते हैं। हिरण क्या करता है, हिरण आनंद को प्राप्त करता है और आनंद के बदले में अपना शरीर दे देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। कुछ ऐसे भी समाज के मनुष्य हैं जो कलाकारों का सम्मान करते हैं, विभिन्न प्रकार के कला को देख करके, विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के परिश्रम को देख करके कुछ उसे धन दे देते हैं। किंतु समाज के कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, किंतु समाज में कुछ मनुष्य मनुष्य कला को देखकर, कला को देखकर कुछ धन दे देते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं, ऐसे भी मनुष्य हैं जो कला से आनंद तो लेते हैं, किंतु करते क्या है, आनंद लेकर उसके बदले कुछ भी नहीं देते। समाज में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो थोड़े धन दे देते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी हैं जो कला को देखकर भी आनंदित होते हैं, किंतु उसके बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। तो ऐसे मनुष्य पशुओं से भी घिरे हुए हैं, क्या है, तो धने नाद रीझ तन देत मृग, पशुओं में मृग को एक पशु माना जाता है, पशु होता हुआ भी उसके अंदर वह शालीनता है, वह सभ्यता है, वह संस्कृति है, वह गुण है जो नगाड़े की आवाज़
अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। किंतु समाज में कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो कला की कदर नहीं करते हैं, कलाकारों की कलाओं को देख करके कुछ भी पैसा नहीं देते हैं और वापस लौट जाते हैं। जो कुछ पैसे दे देते हैं ऐसे भी मनुष्य हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पैसे भी नहीं देते हैं, आनंदित होते हैं और वापस चले जाते हैं। तो रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई पशु आनंद को प्राप्त करने के बदले में अपने प्राणों को भी दे देता है वह तो पशु है, कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो आनंदित होकर के कुछ धन भी दे देते हैं, चलिए वो भी मनुष्य हैं। किंतु ऐसे मनुष्य जो आनंद भी ले लेते हैं, कला की कदर भी नहीं करते और आनंद लेकर के वहाँ से वापस बिना कुछ दिए चले जाते हैं, बिना कुछ पारिश्रमिक दिए वहाँ से आनंदित होकर चले जाते हैं, ऐसे मनुष्य नीच की श्रेणी में आते हैं, ऐसे मनुष्य गिरे हुए श्रेणी में आते हैं, निंदा के पात्र होते हैं, निंदनीय श्रेणी में आते हैं। ऐसे मनुष्य न पशु ही कहलाते हैं न मनुष्य ही कहलाते हैं, अर्थात पशुओं से भी गिरी हुई स्थिति में उन्हें मापा जाता है, रखा जाता है। तो नाथ रेत लीजिए रीज कर देत मृग नरधन हेत समेत अते रहीम पशु से अधिक रीजऊ कजू न दे। पशु से भी गिरा हुआ वह मनुष्य है जो आनंद होकर के आनंदित होकर के भी कुछ भी नहीं देता है। ऐसे मनुष्य जो कुछ देते हैं वह मनुष्य है, जिस प्रकार से हिरण अपने प्राणों को त्याग कर देता है, मनुष्य थोड़ा धन दे करके पारिश्रमिक दे करके अपने मनुष्यता होने का परिचय देता है। किंतु ऐसे मनुष्य जो केवल आनंद लेते हैं उसके बदले कुछ भी उन्हें नहीं देते हैं, ऐसे मनुष्य पशु से भी गिरे हुए होते हैं। ऐसे मनुष्यों को निश्चय ही निंदनीय माना जाता है, पशुओं से नीचे भी गिरे हुए स्थिति में उन्हें रखा जाता है, उनका स्थान पशुओं से नीचे की स्थिति में माना जाता है। आइए चलिए अगले कविता में चलते हैं। रविदास जी कहते हैं बिगरी बात बस बने नहीं लाख करो किन कोए। तो बिगरी बात आठवें में आते हैं, बिगरी बात बना नहीं लाख करो किन कोए। और रहीमन फाटे दूध का मखन माखन होए, माखन होए, मखन माखन होए। रविदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कभी भी फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य का मनुष्य के साथ विरोध हो जाता है, जब मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार में त्रुटियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, शंकाएं आ जाती हैं, कोई द्वेष हो जाता है, कोई कष्ट, कोई डर या भय हो जाता है, ऐसी स्थिति में बात जब बिगड़ जाता है तो वह परिस्थितियाँ पहले जैसे सामान्य नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से दूध के फटने के बाद उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार संबंधों में खटास होने पर, संबंधों में शंकाएँ होने पर, संबंधों में अविश्वास हो जाने पर कभी भी उस व्यवहार को पहले जैसा नहीं रखा जा सकता, उससे उस गुण की आशा नहीं की जा सकती। जैसे दूध के रहने पर ही, दूध के स्थिर रहने पर, सही होने पर ही उससे मक्खन निकाला जा सकता है, दूध के फट जाने पर हम उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार बात के बिगड़ जाने के बाद उस व्यक्ति से अपने हित की वह कल्पना जैसे कि पहले की जा सकती थी, उस कल्पना को हम पुनः नहीं कर सकते हैं, उसके प्रति वह आशाएं हम वापस नहीं ले सकते हैं, अर्थात पहले जैसा विश्वास हमें देखने को नहीं मिल सकता है। यही बातें इसमें बिहारी रविदास जी कहते हैं। तो बिगड़ी बात बने नहीं, एक बार बात के बिगड़ जाने पर वह बात पुनः बनती नहीं है। कहते क्या है, जिस प्रकार रविदास जी कहते हैं जिस प्रकार दूध के फट जाने पर, जिस प्रकार दूध के फट जाने पर पुनः उससे मक्खन मक्खन की प्राप्ति
पुनः उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार हमारे विश्वास की भी वही हालत होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो विचार है, जो भावनाएं हैं, अर्थात जो विश्वास है, जो बातें हैं के प्रति व्यवहार या बात, के बिगड़ जाने पर अर्थात शंका उत्पन्न हो जाने पर, कोई द्वेष हो जाने पर, कोई झगड़ा या विरोध हो जाने पर क्या होता है? पहले जैसी विश्वास या प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। कार्य तत्पर है कि जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर उसकी स्थिति, उसके अस्तित्व के समाप्त हो जाने पर कोशिश की जाए, कितना भी उसे मथा जाए, किंतु उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भी संबंधों को बचा के रखना चाहिए। एक बार मनुष्य का मनुष्य के प्रति किया जाने वाला व्यवहार बात बिगड़ जाए तो उससे प्रयास किया जाए कि पहले जैसी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, पहले जैसी वास्तविकता आ जाए, पहले जैसी स्पष्टता आ जाए, पहले जैसा विश्वास आ जाए, पहले जैसा प्रेम आ जाए, तो यह उत्पन्न होने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से दूध के फट जाने पर दोबारा मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार अविश्वास हो जाने पर पुनः पहले वाले विश्वास, पहले वाले प्रेम की कल्पना नहीं की जा सकती है। पहले वाली विश्वास, पहले वाली शंकाएँ, पहले वाले कह सकते हैं कि पहले वाला विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता है। शंकाओं के उत्पन्न हो जाने पर वह प्रेम, वह संबंध बिगड़ चुका होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से दूध से मक्खन को नहीं निकाला जा सकता, दूध के बिगड़ जाने से मक्खन को नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार बात के बिगड़ जाने पर पुनः पहले जैसी स्थिति को पैदा नहीं किया जा सकता। चलिए रहीमदास जी के फिर अगले कविता दोहे की ओर हम चर्चा करेंगे। रहीमन दे की बड़े को नवे में कल हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बातें आज समाप्त करते हैं। सभी छात्र अपने अपने होमवर्क का कार्य करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।